तो इंटरनेशनल बिक्कू संघ आके और हमारे लोकल सबको मिलके तो निरंजन मिशन से काम शुरू करने के लिए आज इतना हम लोग इकट्ठा हुआ। तो हम लोग बुद्ध भगवान से प्रेयर करेंगे, वही सक्सेसफुल होगा, बेनिफिट होगा हमारा लोकल आदमी जनरल आदमी को फायदा होगा और नेचुरल के लिए निरंजना मिशन का हम लोग का आगे बढ़ने के लिए ये कोशिश करके सबको धन्यवाद। आज हम लोग निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन की ओर से ये जो हम लोगों को निरंजना नदी को रिवाइव करना है, रिचार्ज करना है, तो उसके अभियान जो 1000 चेक डैम हम लोग को बनाना है यहाँ से चतरा तक 130 किलोमीटर के दायरे में, दोनों तरफ 5 किलोमीटर नदी के पश्चिम और 5 किलोमीटर नदी के पूरब। उसमें पहला चेक डैम जो है ये कोल्हुआ नामक ग्राम में उसकी शुरुआत हम लोग करने के लिए आज उसका शिलान्यास करने के लिए आए हैं, जिसमें विभिन्न देशों के संत महात्मा आए हुए हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, तो आज इसका शिलान्यास होगा। ये कोल्हुआ गांव है और इस नदी का नाम चाई नदी है। तो यहां आप देख रहे हैं, आप एक बार देखिए इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ की एक चेक डैम बनाने से यहां हम लोग पहले जज किए थे कि 20 से 25 करोड़ लीटर पानी इसमें जमा होगा, लेकिन जब इसको और गहराई से देखें तो हम लोग को लग रहा है कि 40-50 करोड़ लीटर पानी एक चेक डैम से सिर्फ यहाँ जमा हो सकता है। और ऐसे हज़ार चेक डैम जब बनेंगे और तो समझ जाइए कि ये नदी जो कहते हैं ना कि श्रापित थी, तो उस श्राप का समय समझिए कि ख़त्म हो जाने वाला है। और हर चीज़ की उम्र होती है, वैसे ही सीता मैया का श्राप का भी उम्र ख़त्म हो गया है और ये नदी फिर से सालों भर बहेगी। जेठ बैसाख में ये नदी बहेगी, जिस तरह से हम लोग इसमें काम में लगे हैं और जिस तरह से संत महात्मा सब विभिन्न देशों के लगे हुए हैं, तो ये सफल होगा। आप खुद देख रहे हैं यहाँ की स्थिति, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है कि एक जगह रोकने से, और इसी नदी में हम लोग दसियों जगह पानी रोक सकते हैं। यहाँ जैसे रोके, फिर थोड़ी दूर के बाद आगे जा कर के रोक सकते हैं, इस तरफ रोक सकते हैं। तो ऐसे यहाँ से लेकर के चतरा तक हम लोगों ने देखा है कई यात्राएँ करके नदी के दोनों, नदी में हम लोग कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं। नदी का जो बेड है, नदी का जो प्रवाह है, उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। नदी जहाँ से बनती है, हजारों हजार जगह से पानी आकर के नदी बनती है, तो उस जगह को जब पानी, उस जगह का पानी को रोकेंगे तो नदी रिवाइव होगी। तो वैसे ही ये जो है एक पहला प्लॉट है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके तो हम लोग करेंगे, ये शुरुआत है। और आप सब संत महात्मा का आशीर्वाद है, विभिन्न देशों के, आज ही लग रहा है कि 7-8 देश के यहाँ प्रतिनिधि जुटे हुए हैं, तो ज़रूर इस अभियान में हम लोग सफल होंगे, ऐसा भगवान बुद्ध के सामने प्रार्थना है, विनती है। ये बहुत ही पुराना नदी, इसको लोग चाई नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा। और इसका आगे जाके थोड़े दूर के बाद 3-4 किलोमीटर के बाद निरंजना नदी में ही मिल जाती है। और इसके पहले भी, बहुत पहले ब्रिटिश ज़माना में यहाँ पर एक बांध था, वो कोल्हुआ बांध के नाम से जाना जाता था, बहुत ही पुराना बांध है। और इसे बहुत लोग को सिंचाई की सुविधा मिलती थी और इस बांध के रहने के वजह से सारे लोग को वाटर लेवल भी ऊपर था। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा बाढ़ उड़ाया, इसके वजह से इस चेक डैम का विनाश हो गया, चेक डैम टूट गया। तो एक ये लोग सामाजिक संस्था में आए हैं और ये लोग अभी चेक डैम का निर्माण बनवा रहे हैं,
और हम लोगों से अपेक्षा भी करेंगे और हमारा भी सहयोग है कि भाई बन जाए, और लोग यहाँ के सहानुभूतिपूर्वक सहयोग भी दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं हमारे पंचायत के, जो चाहते हैं कि यहाँ पे चेक डैम का निर्माण हो जाए। इससे लगभग दो पंचायत लाभान्वित होगा। एक पहले तो लाड़ू, जिसमें आप खड़े हैं, इस चेक डैम का निर्माण लाड़ू पंचायत में हो रहा है, और इससे फिर दूसरा पंचायत जो डेमा है उस भी इससे लाभान्वित होगा, उसका भी करीब करीब 8 गाँव लाभान्वित होगा। बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए कि हम लोग कई साल से बहुत कोशिश कर रहे थे कि नर्मदा नदी में वापस फिर से पानी आए, क्योंकि आपको बता दें जब भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमा में उनको ज्ञान मिला था, उसके पहले वो सुजाता से जब बोधगया की ओर आ रहे थे तो बीच में नदी में पानी था। मीन्स कहने का मतलब है गर्मी के दिनों में भी यहाँ पानी हुआ करती थी, तभी तो उनका पात्र उल्टे दिशा में बहा, और वो उनको इस नदी ने पहला ज्ञान दिया कि आपको कहीं ना कहीं उस पार आपको ज्ञान मिलने वाला है, और वहीं से ये भगवान बुद्ध बने। तो उनका एक फिर से हम लोग इस कोशिश में है कि इस नदी को फिर से जीवित किया जाए, फिर से इसमें धारा प्रवाह पानी रहे, सालों भर पानी रहे। और उसका पहला फेज ये कोलुआ गांव है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा ऐसे हजारों मतलब नदियाँ हैं जो इनसे मिलती है, इस नदी से। तो हम लोगों का पहला कोशिश है आज कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ एक चेक डैम बनाएंगे, और सभी यहाँ पे जितने भंते गुरु लोग आए हुए हैं सबका आशीर्वाद है हमारे हम लोगों के साथ, और निश्चित है हम लोग सक्सेस करेंगे इसमें।